पटना में एक बर्थडे पार्टी में हुए प्यार के बाद हुई शादी की खूब चर्चा चल रही है। दरअसल अरवल के कोनिका गांव के एक प्रेमी जोड़े ने न केवल 7 दिन की जान पहचान में एक दूजे को दिल दे दिया, बल्कि 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए शादी के बंधन में भी बंध गए। हुआ यूं कि कोनिका गांव की गुड़िया कुमारी अपनी शादीशुदा बहन के घर बर्थडे पार्टी में गई थी, तभी वहां उसकी मुलाकात प्रीतम राज से हुई। प्रीतम पटना में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फिर क्या था, दोनों में प्रेम का चक्कर चढ़ने लगा। दोनों चंद ही दिनों में भागकर बेंगलुरु में रहने लगे थे। इस घटना के बाद लड़की के परिजनों ने अरवल नगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस दबिश के कारण दोनों ही प्रेमी जोड़े ने बेंगलुरु से आकर कोर्ट में सरेंडर किया और न्यायालय के आदेश अनुसार कोर्ट परिसर के मंदिर में शादी रचा ली। अरवल कोर्ट परिसर इलाके में हुई प्रेम प्रसंग में शादी का ये मामला खूब चर्चा में है। इस शादी में दुल्हन एक युवक की साली बनी तो दूल्हा उसका भाई। दोनों को महज 7 दिनों में ही 7 जन्मों का प्यार मिल गया, जिसके बाद परिजनों ने मिलकर प्रेमी युगल के शिव मंदिर में शादी करवा दी और दोनों को जन्म जन्मांतरण का साथी बना दिया। अपनी मर्जी से हम दोनों मर्जी से शादी किया मंदिर में अपना। अच्छा, किसी का दबाव हुआ? किसी का दबाव नहीं। लंबे समय से तुम लोग साथ था? हाँ। कहाँ रह रहे थे? हम पटना रहते हैं। हैं? यह पास में मंदिर नहीं है? हाँ। अपने मन से ना? हाँ। स्वेच्छा से? कितने दिनों से तुम लोग चल रहा था? 1.5 साल से। पढ़ाई करती है क्या? क्या? पढ़ाई वगैरह करती हो? हाँ। कहाँ पढ़ती है? किसी का कोई दबाव हुआ नहीं? पार्टी में 7 दिन पहले फुलवारी शरीफ के वाल्मी में अरवल से गई थी। इसी दौरान दोनों में बातचीत होने लगी और रातों रात ऐसा प्यार परवान चढ़ गया। देखते ही देखते इन दोनों ने जीने और मरने की कस्में खाई। इसी दौरान घर वालों ने और स्थानीय लोगों ने इनके पीछे पनप रहे प्यार को देख लिया और रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे से मिलते हुए पकड़े गए। कोर्ट के आदेश अनुसार बिना मुहूर्त और बिना बैंड बाजे के साथ ही बाराती सज गई। पंजाब के एसटीवी के लिए अरवल से विश्वनाथ प्रताप की रिपोर्ट।